दिलजीत दोसांझ जिन दिनों अपने कॉन्सर्ट इल्यूमिनाटी टूर और उसकी टिकटों को लेकर काफी चर्चा में है। हालांकि आज बात हम उस टूर की नहीं बल्कि दिलजीत की एक फिल्म की करेंगे जिसमें सेंसर बोर्ड ने इतने कट्स लगवा दिए, इतने बदलाव बदला दिए कि मेकर्स भी परेशान हो गए होंगे। ये कट्स उन्होंने दिलजीत की आने वाली फिल्म पंजाब 95 में लगवाए हैं। क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं। दिलजीत ने अपने करियर में कई फिल्में की हैं, गुड न्यूज जैसी कॉमेडी फिल्में भी और उड़ता पंजाब और चमकीला जैसी गंभीर फिल्में भी। उनकी आने वाली फिल्म पंजाब 95 भी उनकी कुछ गहरी फिल्मों में से एक होने वाली है। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जसवंत सिंह खालड़ा की जिंदगी पर आधारित इस फिल्म को लेकर लगातार विवाद जारी है। पहले सेंसर बोर्ड ने इसमें 85 कट्स लगवाए थे, अब सेंसर बोर्ड की रिवाइजिंग कमेटी ने इसमें 120 कट्स लगाने के लिए कहा है। सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे बदलाव भी कमेटी ने सुझाए हैं। हनी त्रेहन के डायरेक्शन में बनी और रॉनी स्क्रूवाला की प्रोड्यूस की हुई इस फिल्म को कई बार सेंसरशिप से गुजरना पड़ा। फिर मेकर्स ने डिमांड रखी कि उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच की छूट दी जाए। इसी के चलते जब सेंसर बोर्ड के बाद ये फिल्म रिवाइजिंग कमेटी के पास पहुंची तो इसमें 35 कट्स और लगा दिए। साथ ही फिल्म के लीड किरदार का नाम तक बदलने को कहा गया। मिडडे की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा विवाद फिल्म के लीड किरदार और उसके नाम को लेकर छिड़ा। फिल्म के लीड किरदार का नाम जसवंत सिंह खालड़ा ही रखा गया है, मगर सेंसर बोर्ड ने सुझाव दिया था कि इसे बदल कर सतलज रख दिया जाए जो कि पंजाब की नदी के नाम पर था। मगर मेकर्स ने इस बदलाव पर कड़ी आपत्ति जताई। उनका कहना था कि खालड़ा सिख समुदाय में एक सम्मानित व्यक्ति हैं, उनका नाम ऐसे बदलना उनका अनादर होगा। इसके अलावा CBFC ने ये सजेस्ट भी किया था कि पिक्चर का टाइटल पंजाब 95 को बदलकर कुछ और किया जाए। बोर्ड का ये कहना था कि ये टाइटल लोगों के अंदर एक मजबूत भावना पैदा करेगा उस वक्त के लिए जिस साल खालड़ा गायब हुए थे। CBFC ने उस सीन में भी बदलाव बताया था जिसमें गुरबानी दिखाई देती है। उन्होंने ये भी कहा था कि पंजाब और तरन तारण का कहीं भी जिक्र नहीं होना चाहिए। कनाडा और UK का रेफरेंस भी बदलने को कहा गया था। इसके बाद पंजाब 95 के मेकर्स ने CBFC के साथ बहुत सारी मीटिंग्स की जिसमें इन सुझाए गए बदलावों पर बात हुई। उनका कहना था कि ये फिल्म रियल लाइफ घटना पर है, सेंसर बोर्ड के बतलाए गए बदलावों के बाद फिल्म का मूल्य ही बदल जाएगा, जिसके बाद मेकर्स ने सेंसरशिप प्रोसेस को सही नहीं बताया था। पंजाब 95 ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जसवंत सिंह खालड़ा की जिंदगी पर आधारित फिल्म बताई जा रही है जिन्होंने 1984 से 1994 के बीच पंजाब विद्रोह के दौरान सिख युवाओं के लापता होने और हत्या किए जाने की जांच की थी। पंजाब 95 में दिलजीत दोसांझ ने यही किरदार निभाया है। ये फिल्म खालड़ा की मौत पर सवाल उठाती है जो सितंबर 1995 में गायब हुए। फिर 10 साल बाद पंजाब पुलिस के 6 अधिकारियों को उनकी हत्या का दोषी ठहराया गया। लोगों का कहना है कि इस फिल्म से पुलिस की छवि खराब होगी, इसलिए इसकी रिलीज को लेकर इतना विवाद चल रहा है। ये जानकारी आपके लिए जुटाई है मेरी साथी मेघना ने। मैं खुशी, आप देख रहे हैं रन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।